अनंत जन्मों से प्रतीक्षित गोपियों के साथ महाराज में नृत्य किया। लेकिन जब भगवान नृत्य कर रहे हैं बड़ा आनंद चारों ओर फैल रहा है, और उस आनंद को पकड़ने के लिए एक रसिक हृदय चाहिए कृष्ण को समझने के लिए। अर बरात मिलवे कु निषदिन, मिले रहत मानो कबहु मिले ना, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। भगवान की जो निकुंज लीला है, जो हरिदास संप्रदाय की बात है, वहां नारायण की जो बांके बिहारी, तो बांके बिहारी में नाम केवल बांके बिहारी है, लेकिन ये बीच में ही राधा जी उनके साथ हैं, क्योंकि बांके जो बिहार कर रहे हैं, और बिहार तो अकेले होता नहीं है। तो अर बरात मिलवे कु निषदिन, मिले ही रहत मानो कबहु मिले ना, तो गोपियां वहां ऐसे मिल रही हैं हर क्षण हर पल, जैसे हरिदास जी के सिद्धांत में यह है कि राधा और कृष्ण श्यामा श्याम दोनों इस तरीके से मिल रहे हैं कि पहली बार मिले हैं, इतनी जोर से मिल रहे हैं जैसे आप 1, 2, 5, 10, 20 साल पुराने किसी पुराने साथी से मिले तो कितनी जोर से मिलेंगे, कितनी अभिलाषा से मिलेंगे, कितने प्रेम से उससे मिलेंगे कि बहुत दिनों बाद मिला है। उसी तरह गोपियां कृष्ण को अपने साथ पकड़ रही हैं, उनके साथ नृत्य कर रही हैं, जैसे अनंत जन्मों के बाद कृष्ण मिले हैं। लेकिन उनका ये मिलन वही समझ पाएगा जिसके हृदय में प्रेम की प्यास है, और जो कभी अपने किसी प्रेमी से इस तरीके से मिला हो। लेकिन यहां गोपियों को एक, जैसे कि ब्रह्म के मोह में जब भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ लीला कर रहे थे, खेल रहे थे, उसी समय ग्वाल वालों को लगा हमारे बछड़े कहाँ हैं। तो भगवान के साथ जब आप जुड़े हुए हैं, और जब दिन रात नारायण की चर्चा है, चिंतन है, मनन है, श्रवण है, मंथन है, अभ्यास है, तो फिर दूसरी चीज न हो। तो गोपियों को एक क्षण के लिए भान हुआ, कि हम कितनी भाग्यशाली हैं कि परम ब्रह्म परमात्मा तो हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। बस जैसे ही हम शब्द आया, जैसे ये ट्यूबलाइट बंद हो जाए, आपने स्विच दबाया और ये जल गई, और आपने दोबारा स्विच दबाया बंद हो गई, जैसे ही गोपियों के हृदय में हम आया और उधर कृष्ण अदृश्य हो गए। अब गोपियों का बहर अवसाद में डूब गई, जैसे कोई यकायक मंत्री पद की शपथ ले रहा हो किसी मंच पे, और एकदम से कोई आवे और उससे शपथ का पन्ना छोड़ा ले, चलो नीचे उतरो, कोई शपथ वपथ नहीं, कैसा हो जाएगा उसका शरीर, मंचित, कैसा सम्मान, सब विस्मृत हो जाएगा। तो ऐसे उच्च आसन पे के परम ब्रह्म परमात्मा के साथ जो रास कर रहे हैं, यकायक कृष्ण सभी के साथ से गायब हो गए। तो ऐसा लगा कि जैसे शरीर में से खून किसी ने निकाल लिया। गोपियां ब्रह्म में डूब गई, कृष्ण को इधर उधर खोज रही हैं, वनों में, नदी के तट पर, वृक्षों के पीछे, कहीं हरितिमा में शिलाओं के पीछे, कि ये बड़ा नटखट है, कहीं छुप तो नहीं गया। लेकिन भगवान हाथ नहीं आए। गोपियों का रुदन करते करते बड़ा बुरा हाल, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रेयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयति दृश्यतां दिक्षुतावका त्वयि घृता सवस्त्वां विचिन्वते।
शरद दास ए साधु जात सर सरस जोदर श्री मुसात्र सा सुरत नाथ ते शुल्क दाशिका वरद विघ्न तो नेह किम बधा विष जला प्याद व्याल राक्षसा वर्ष मारुताद वेद तानला व्रस मयात्मजाद विश्व तो भया ऋषभ ते वयम रक्षिता मुहु। बड़ी सुंदर भगवान के स्मरण में स्तुति की, लेकिन ये जो तीन श्लोक हैं इसमें गोपियों की व्यथा बड़ी स्पष्ट है कि गोपियां कह रही हैं कि हमें कोई जानता नहीं था, हम तो ग्वालिन थी, हम जाट छोहरियां, दिन रात गौओं की सेवा करने वाली केवट कन्याएं, हमारा कोई परिचय नहीं था, तो फिर वो कैसे जीवित रहेगी। तो हमारे पास तुम्हारे प्रेम के अलावा कोई दूसरी पूंजी नहीं है, ये आप भी जानते हो ना, और फिर भी आप हमें छोड़ के चले गए, अकेला छोड़ के चले गए, अब हमारे पास तो कुछ बच नहीं रहा है, और यदि तो ऐसे ही तुम्हें छोड़ के जाना था तो फिर हमें अग्नि से क्यों बचाया, कालिया नाग के विष से क्यों बचाया था, इंद्र के कोप से क्यों बचाया था, और यदि तो बचाया था तो इस तरह हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा तो आगा पीछा कुछ नहीं है आपके अलावा। ब्रजवासियों की निराश्रय भक्ति थी, कोई दूसरा आश्रय नहीं था, भूख लगी तो कृष्ण भैया भूख लग रही है हमें दे दे, और प्यास लगी तो कृष्ण पानी पिला दे, भय लगा तो कृष्ण हमें ये मार रहे है और आनंद लेना है तो चलो कृष्ण भैया गेंद बच्चे खेलेंगे, एक ही भाव था ब्रजवासियों का, बस कृष्ण प्रेम। गोपियां रुदन करने लगी और रुदन इस तरीके का करने लगी कि नारद भक्ति सूत्र में मत्तो भवती जो आता है कि अब जैसे कोई छोटा बालक माँ से बिछड़ जाए तो माँ पीछे से रुदन करने लगती है, घर के अन्य सदस्य रुदन करने लगते हैं, और वो फिर बालक की बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके वो मुझसे हाथ से मांगता था, ऐसे ऐसे मुझसे तोतली भाषा से बोलता था, कभी कभी वहां से कटोरी लेकर यहां आ जाता था और यहां पे इस जंगले पे बैठता था। तो ऐसे गोपियां मत्तो भवती भक्ति में, रुदन में भी भक्ति में डूबी हुई हैं और वैसे करने लग रही हैं। कोई गोपी ये दिखा रही है कि भगवान ने ऐसे उंगली पे गोवर्धन धारण किया था, कोई गोपी ये दिखा रही है कि भगवान ने ऐसे जो है यमुना जी में छलांग लगाई थी, कोई गोपी ये दिखा रही है कि भगवान ऐसे गौचारण को जाते हैं,